हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है उर्दू अपनी ज़बान क्लास 6 चैप्टर नंबर 15 काबलीवाला और इसका हल। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का उर्दू अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 15 का हल और उसका सोल्यूशन है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो भी होमवर्क दिया गया है सबको इसके अंदर हल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लफ्ज़ और माना को दिया गया है। सबसे पहला लफ्ज़ है बाब, इसका माना है किताब का एक मुकम्मल हिस्सा, दरवाज़ा। दो माना है, दोनों माना में से कोई एक माना नोट कर सकते हैं। साफ़ा, इसका माना है पगड़ी। ज़मीन आसमान का फ़र्क, इसका माना है बहुत बड़ा फ़र्क। खौफ, इसका माना है डर। मजमा, इसका माना है भीड़। शुबा, इसका माना है शक। मसरूफ़, इसका माना है काम में लगा हुआ। एहतियात, इसका माना है चौकसी। मेवा, इसका माना है सूखे फल जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश वगैरह, यानी जो भी ड्राई फ्रूट है उसको मेवा कहा जाता है। पिड़िया, इसका माना है कागज़ का छोटा सा टुकड़ा जिसमें कोई चीज़ लपेटी जाए। सौदा, ये लफ्ज़ है, इसका माना है वो सामान जो ख़रीदा और बेचा जाए। यकायक, इसका माना है अचानक। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है सोचिए और बताइए। सबसे फर्स्ट सवाल दिया हुआ है मुन्नी कौन थी, इसका जवाब है मुन्नी एक 5 बरस की बच्ची थी। दूसरा सवाल है मुन्नी ने बाबूजी से सबूत की क्या शिकायत की, इसका जवाब है मुन्नी ने बाबूजी से सुबोध की ये शिकायत की कि सुबोध कौवे को काक कहता है, वो कुछ भी नहीं जानता। सवाल नंबर 3 है काबली वाले का हुलिया कैसा था, इसका जवाब है काबली वाला लंबे ढील डोल वाला था, वो ढीले ढाले कपड़े पहनता और साफा बांधे रहता था। चौथा सवाल है काबली वाले को देखकर मुन्नी क्यों घबरा गई, इसका जवाब है मुन्नी की माँ उससे कहा करती थी कि काबली वाले बच्चे को थैले में डालकर ले जाते हैं, इसलिए काबली वाले का हुलिया देखकर मुन्नी घबरा गई। सवाल नंबर 5 है मुन्नी की माँ उसे किस बात पर डांट रही थी, इसका जवाब है मुन्नी की माँ उसके पास अठन्नी देखकर उसे डांट रही थी कि उसने काबली वाले से अठन्नी क्यों ली। सवाल नंबर 6 है वतन जाने से पहले काबली वाला घर घर क्यों जाता था, इसका जवाब है वतन जाने से पहले काबली वाला घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता था। सवाल नंबर 7 है काबली वाले को जेल क्यों भेजा गया, इसका जवाब है काबली वाले ने गुस्से में छुरी से एक चपरासी पर हमला कर दिया था, इसलिए काबली वाले को जेल भेजा गया था। सवाल नंबर 8 है काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या दिया करता था, इसका जवाब है काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से मेवे निकाल कर दिया करता था। सवाल नंबर 9 है काबली वाले के पास अपनी बेटी की क्या निशानी थी, इसका जवाब है काबली वाले के पास एक कागज़ पर उसकी बेटी के छोटे से हाथ का निशान था, अपनी बेटी की उस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। सवाल नंबर 10 है मुन्नी को देखकर काबली वाले को क्या याद आया, इसका जवाब है मुन्नी को देखकर काबली वाले को अपनी बेटी याद आ गई। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए, जिसको इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट जुमला है मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था, तो 17वां ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा जो कि रेड कलर में है। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ, तारुफ का लफ्ज़ जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। काबली वाले का नाम रहमत था, रहमत फिल इन द ब्लैंक्स है।
पीछे लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। मजमा फिल इन द ब्लैंक्स है। पांचवा जुमला है, काबली वाला कहता मुन्नी ससुराल जाओगी, ससुराल ये फिल इन द ब्लैंक्स है। रहमत घूंसा तान कर कहता मैं तो ससुरे को मारूंगा, ससुरे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सातवां जुमला है, रहमत घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता था। वसूल का लफ्ज़ जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने कहा आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मसरूफ़ का लफ्ज़ भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इस कागज़ पर उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था, हाथ का लफ्ज़ जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। उसको यकायक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। यकायक का लफ्ज़ आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कुछ लफ्ज़ दिया हुआ है, उससे आपको जुमला यानी सेंटेंस बनाना है। साफ़ा ये लफ्ज़ है, इससे आपको एक जुमला बनाना है। काबली वाले ने साफ़ा बांध रखा था। दूसरा जुमला बनाना है डील डोल से, वो लंबे डील डोल का मालिक था। खौफ, इससे एक जुमला बनाना है, चोर लोगों के खौफ से पर्दे के पीछे छुप गया। मसरूफ़, इससे एक जुमला बनाना है, इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। एहतियात, इससे एक जुमला बनाना है, हर काम में एहतियात ज़रूरी है। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए, यानी उल्टा लफ्ज़ बनाना है आपको। दोस्त, इसका मुतजाद लफ्ज़ है दुश्मन। बे ईमान, इसका मुतजाद लफ्ज़ है ईमानदार। खुशी, इसका मुतजाद लफ्ज़ है गम। खुशनुमा, इसका मुतजाद लफ्ज़ है बदनुमा। उल्टा, इसका मुतजाद लफ्ज़ है सीधा। इनकार, इसका मुतजाद लफ्ज़ है इकरार। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कुछ मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है उर्दू ज़बान के अंदर बोलने में, उसको जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाना है। जैसे दाम वसूल करना, ये एक मुहावरा है, इसको जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। दुकानदार ने सामान के पूरे दाम वसूल किए। लेन देन करना, ये भी एक मुहावरा है, इससे एक जुमला बनाना है। कारोबार में हमेशा लेन देन करना लगा रहता है। वार खाली जाना, इसको जुमला में इस्तेमाल करना है। तीर चलाने वाले का वार खाली चला गया। हक मारना, ये एक मुहावरा है, इससे जुमले में इस्तेमाल करना है। हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। माल दबा लेना, ये भी मुहावरा है, इससे भी एक जुमला में इस्तेमाल करके दिखाना है। अमीरों ने गरीबों का सारा माल दबा लिया। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है बातें, ये जमा है तो इसका वाहिद हम बनाएंगे बात। आंसू, ये वाहिद लफ्ज़ है तो इसका जमा बनाएंगे आंसुओं। राहगीर, ये वाहिद है तो इसका जमा बनाएंगे राहगीरों। मेवा, ये वाहिद है तो इसका जमा बनाएंगे मेवे। जो भी रेड कलर के अंदर होगा आपको, वो आपका आंसर है। सिपाहियों, ये जमा है तो इसका वाहिद बनाएंगे सिपाही। चादर, ये वाहिद है तो इसका जमा बना देंगे चादरें। मेहमानों, ये जमा है तो इसका वाहिद बना देंगे मेहमान। बरसों, ये जमा है तो इसका वाहिद बना देंगे बरस। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी के तर्तीब से लिखिए। यानी कुछ जुमला कहानी के अंदर से लाकर अलग अलग करके लिख दिया गया है। कहानी के एतबार से लिखना है कि कौन पहले नंबर पे इस्तेमाल हुआ था, कौन दूसरे नंबर पे। किताब के अंदर तो बहुत उल्टा सीधा लिखा हुआ है, दो नंबर को पाँच नंबर पे लिख दिया गया है, एक नंबर को छः नंबर पे लिख दिया गया। उसको ठीक तरीके से लिखकर, यानी सबसे पहले कौन जुमला इस्तेमाल हुआ, दूसरे नंबर पे कौन, सब लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला और फर्स्ट जुमला है, मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। दूसरे नंबर पे है,
दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। तीसरे नंबर पे है, मुन्नी की माँ उसे डांट कर पूछ रही है कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। चौथे नंबर पे है, रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। पांचवे नंबर पर है, मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। छठा नंबर पे है, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। सातवें नंबर पे है, अब मुन्नी ससुराल के माना समझने लगी थी, उसने शर्मा का सर झुका लिया। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। यानी कहानी के अंदर से कुछ जुमला को उठाकर ला दिया गया है, लिख दिया गया है, उसमें से कुछ जुमले को गलत लिखा गया है, कुछ को सही। अगर सही है कहानी के एतबार से तो सही का टिक लगाना है, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाना है। सबसे पहला जुमला है, मेरी 6 बरस की बच्ची जिसका नाम चुन्नी है, ये बात गलत है तो गलत का टिक लगाइएगा। सुबोध नौकर का नाम है जो कौवे को काक कहता है, ये सही है तो सही का टिक लगाइएगा। मेरा घर सड़क से दूर है, ये गलत है तो गलत का टिक लगाइएगा। काबली वाला हंसमुख था, ये सही है तो सही का टिक लगाना है। काबली वाले ने कहा मुन्नी ससुराल जाओगी, ये भी सही है। काबली वाला हर साल जाड़े के मौसम में आता था, ये सही है। तो जो भी आंसर होगा आपको रेड कलर में मिलता जाएगा। काबली वाला हर साल जाड़े के मौसम में आता था, ये सही है। काबली वाले का नाम आजमत था, ये बात गलत है तो इस पर गलत का टिक लगा दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो के लिए।